वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आई 33 अर्निंग पर शेयर में डाइल्यूटेड ईपीएस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम पहले पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन और इसका अपोजिट कॉन्सेप्ट है एंटी डाइल्यूशन का, उसको डिस्कस करेंगे और फिर कैलकुलेशन गाइडेंस पर ब्रीफली बात करेंगे, क्योंकि जो ज़्यादा डिटेल में विद एग्जाम्पल वीडियोज़ हैं वो हमारी सेपरेटली बनेंगी, जिसके अंदर हम कन्वर्टेबल्स को अलग और ऑप्शंस को अलग और ऑर्डर ऑफ डाइल्यूशन को अलग कंसीडर करेंगे। तो देयर वुड बी थ्री मोर वीडियोस जिसके अंदर डाइल्यूटेड ईपीएस के फर्दर एस्पेक्ट्स को भी हम कवर कर रहे होंगे। तो पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स एक एंटिटी के पास हो सकते हैं। अब बेसिकली पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स की एग्जांपल हमने पहले डिस्कस की थी, डेफिनेशन बेसिकली डिस्कस की थी। तो पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हो सकते हैं जैसे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं जो किसी ना किसी पॉइंट पर कल को ऑर्डिनरी शेयर बन जाएंगे, या कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में किसी टाइम पर वो ऑर्डिनरी शेयर बन जाएंगे, या कंपनी ने शेयर ऑप्शन या वारंट्स इशू किए हुए हैं और वो किसी टाइम पर जो है एक्चुअल ऑर्डिनरी शेयर्स बन जाएंगे, जब वो ऑप्शन एक्सरसाइज होंगे तो उसके अगेंस्ट एंटिटी को जो है वो ऑर्डिनरी शेयर इशू करने पड़ेंगे। अब जो पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर हैं इनसे बेसिक ईपीएस की कैलकुलेशन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डाइल्यूटेड ईपीएस की फिगर पर जो है इनसे फर्क पड़ भी सकता है और नहीं भी पड़ सकता। तो डाइल्यूटेड ईपीएस का बेसिक जो डिफरेंस है वो ये है कि जो बेसिक ईपीएस होती है उसके अंदर आप उन शेयर्स को फोकस कर रहे होते हैं जो कंपनी एक्चुअली में इशू कर चुकी है, जबकि डाइल्यूटेड ईपीएस के अंदर एक्चुअल में जो शेयर इशू हो चुके हैं वो भी शामिल होते हैं और पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स भी इंक्लूडेड होते हैं। तो डाइल्यूटेड ईपीएस के अंदर एक एक्स्ट्रा एस्पेक्ट होता है जिसे हमें कवर करना होता है। अब पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स की अगर हम एग्जांपल दें तो पहले भी जिस तरह हमने डिस्कस की कि कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हो सकते हैं जैसे डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं, कन्वर्टेबल इनटू व्हाट, कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स, और ऑर्डिनरी शेयर्स के शेयर ऑप्शंस और वारंट्स हो सकते हैं। ऑप्शन या वारंट्स की जो डेफिनेशन आई 33 में गिवन है कि ऑप्शन वारंट्स एंड देयर इक्विवेलेंट्स आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दैट गिव द होल्डर द राइट टू परचेज ऑर्डिनरी शेयर, यानी बेसिकली शेयर ऑप्शन का जो होल्डर होता है जिसके पास वो ऑप्शन होता है उसके पास ये राइट होता है कि वो कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर परचेज कर सकता है, ऑब्लिगेशन नहीं होती। तो इस वजह से ऑप्शंस की जब हम डिटेल में जाएंगे तो वहां पर एक एस्पेक्ट ये भी देखेंगे कि ऑप्शंस कभी फेवरेबल होते हैं, यानी अगर आपको मार्केट से कम वैल्यू पर कंपनी का शेयर मिल रहा होगा तो आप खरीद लेंगे, और अगर मार्केट वैल्यू से ज्यादा पर मिल रहा होगा तो आप अपने ऑप्शन को छोड़ देंगे और उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे क्योंकि वो क्या आपके लिए एक्सरसाइज करना अनफेवरेबल है। तो अब जो है इन पॉइंट्स पर फर्दर आगे चलते हैं और कॉन्सेप्ट देखते हैं जो डाइल्यूटेड ईपीएस में पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स का डाइल्यूशन और एंटी डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट जब हम देखते हैं तो जब भी पोटेंशियल शेयर्स एक्चुअल ऑर्डिनरी शेयर्स बन जाएंगे तो जो अर्निंग की फिगर्स है, जो प्रॉफिट हो रहा होगा कंपनी का, वो पहले से ज्यादा शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, क्योंकि अभी जो शेयर्स हैं, लेट्स से कंपनी के अभी शेयर्स हैं 10 मिलियन और कल को 2 मिलियन और ऐसे एक्सपेक्टेड हैं पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं जो कल को एक्चुअली शेयर्स बन जाएंगे, तो कंपनी का प्रॉफिट आज 10 मिलियन शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कल को वो 12 मिलियन शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। तो इससे जो ईपीएस है वो डाइल्यूट हो सकती है। अच्छा, वर्ड जो डाइल्यूशन है इसका लिटरल मीनिंग तो है वाटरिंग डाउन या रिडक्शन इन स्ट्रेंथ, यानी जब किसी चीज की प्योरिटी को कम कर देते हैं तो हम कहते हैं कि इसको हमने डाइल्यूट कर दिया। जब किसी चीज में पानी मिक्स कर दें तो जो उसकी कंसेंट्रेशन होती है, जो उसकी स्ट्रेंथ होती है, जो उसकी प्योरिटी होती है, वो कम हो जाती है, वो उतना प्योर नहीं रहता, वो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, इसको कहते हैं हम डाइल्यूशन लिटरल मीनिंग में। लेकिन डाइल्यूशन की टर्म I-33 के परस्पेक्टिव से क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो I-33 ने डिफाइन किया हुआ है कि डाइल्यूशन इज अ रिडक्शन इन ईपीएस, कि या तो ईपीएस में रिडक्शन हो या इंक्रीज इन लॉस पर शेयर रिजल्टिंग फ्रॉम द अजम्पशन दैट कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स आर कन्वर्टेड। क्या आप कहते हैं कि जब ये कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट कन्वर्ट हो जाएंगे या ऑप्शंस और वारंट जब एक्सरसाइज हो जाएंगे और ऑर्डिनरी शेयर इशू हो जाएंगे किसी स्पेसिफाइड कंडीशंस पूरी होने पर, तो जो अर्निंग पर शेयर में कमी आएगी या लॉस पर शेयर में इजाफा होगा। यानी अगर आप देखें तो डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट जो है नेगेटिव है, अर्निंग हो तो कम होना और लॉस हो तो बढ़ना, इसको डाइल्यूशन कह रहे हैं। यानी ये नहीं है कि लॉस पर शेयर भी कम हो रहा हो तो उसको भी डाइल्यूशन कहेंगे, नहीं, अर्निंग कम हो रही है तो डाइल्यूशन और लॉस अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो डाइल्यूशन। तो
डाइल्यूटेड ईपीएस का जो ऑब्जेक्टिव है वो बेसिकली बेसिक ईपीएस के साथ ही कंसिस्टेंट है कि हमने परफॉर्मेंस का एक मेजर प्रोवाइड करना। तो बेसिक ईपीएस से हम यूजर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो मेजर ऑफ परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं जिस पर वो देखते हैं कि जो अभी जो शेयर इन इशू हैं उनकी बेसिस पर कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। लेकिन एक फ्यूचर का जनरल आइडिया देने के लिए, एक अर्ली वार्निंग देने के लिए कि फ्यूचर में भाई अर्निंग कम भी हो सकती है क्योंकि पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स भी अगर हिस्सेदार बन जाएंगे तो कुछ इम्पैक्ट आ सकता है, वो इफेक्ट बताने के लिए डायल्यूटेड ईपीएस भी कैलकुलेट की जाती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट की जाती है। तो जब भी ऑर्डिनरी पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स जो हैं वो एक्चुअल ऑर्डिनरी शेयर्स बनेंगे, ना सिर्फ ये कि नंबर ऑफ शेयर्स में चेंज होगा, अर्निंग्स में भी चेंज होगा। अर्निंग्स में कैसे चेंज होगा भाई? अगर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे तो फिर आइंदा उनका इंटरेस्ट तो नहीं देना पड़ेगा। फिर उस इंटरेस्ट की वजह से जो प्रॉफिट कम होता था उस पर टैक्स ज़्यादा कम लगता था, वो टैक्स ज़रा सा बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट के अंदर भी इफेक्ट आएगा। इसी तरह अगर आपको प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा तो जो अर्निंग अवेलेबल टू ऑर्डनरी शेयर होल्डर है वो बढ़ जाएगी। तो ये बेसिकली आपका जो ना सिर्फ ये कि नंबर ऑफ शेयर्स चेंज होंगे पोटेंशियल ऑर्डनरी शेयर्स के कन्वर्ट होने से, बल्कि अर्निंग भी चेंज होगी। तो जब हम डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करते हैं तो एंटिटी को प्रॉफिट और लॉस को एडजस्ट करना पड़ता है, एंड द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग जो है वो ऑल डाइल्यूटिव पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स के लिए। अच्छा, पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हमेशा डाइल्यूटिव हों ये जरूरी नहीं है, बाज़ूकात पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स जो हैं वो एंटी डाइल्यूटिव भी हो सकते हैं। यानी हो सकता है कि अगर वो इश्यू हो जाए तो अर्निंग पर शेयर रिड्यूस होने के बजाय बढ़ जाए, या लॉस पर शेयर जो है वो इंक्रीज होने के बजाय कम हो जाए, तो फिर हम उन्हें कहेंगे कि वो डाइल्यूटिव नहीं है, वो एंटी डाइल्यूटिव है। तो डाइल्यूटेड ईपीएस में आपने सिर्फ डाइल्यूटिव पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स लेने होते हैं, वो पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स नहीं लेने होते जो एंटी डाइल्यूटिव हो। अब एंटी डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट देखते हैं। नॉट ऑल पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स आर डाइल्यूटिव, और कुछ एंटी डाइल्यूटिव भी हो सकते हैं। व्हेन पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स आर एंटी डाइल्यूटिव दे आर डिसरिगार्डेड इन द कैलकुलेशन ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस। यानी अगर पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स जो है वो एंटी डाइल्यूटिव हों तो हमने उन्हें इग्नोर कर देना है, डिसरिगार्ड कर देना है, उन्हें डाइल्यूटेड ईपीएस की कैलकुलेशन में नहीं लेना। तो एंटी डाइल्यूशन को भी IAS 33 डिफाइन करता है कि इज इंक्रीज इन अर्निंग पर शेयर और रिडक्शन इन लॉस पर शेयर। यानी जो हमने डाइल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें ईपीएस के अंदर रिडक्शन थी, यहां पर वर्ड आ गया इंक्रीज, और वहां पे लॉस पर शेयर में इंक्रीज था, यहां पे वर्ड आ गया रिडक्शन। बाकी सेम डेफिनेशन है कि इस एजम्पशन पे कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट कन्वर्ट हो जाएंगे या शेयर ऑप्शन और वारंट एक्सरसाइज हो जाएंगे, और किसी कंडीशन पूरी होने पर जो ऑर्डिनरी शेयर जो हैं वो इशू किए जाएंगे। तो उससे अगर ईपीएस इंक्रीज हो जाए यानी फेवरेबल रिजल्ट आ जाए कंपनी का, या लॉस पर शेयर कम हो जाए, तो लॉस पर शेयर कम होना भी पॉजिटिव बात है, तो वो एंटी डायल्यूशन होगी। तो इनफैक्ट अगर हम कॉन्सेप्ट देखें डायल्यूशन और एंटी डायल्यूशन का, तो IAS 33 ये चाहता है कि यूजर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वर्स्ट केस सिनेरियो बताया जाए, पॉजिटिव सिनेरियो नहीं, प्रूडेंस को फॉलो करते हुए वर्स्ट केस सिनेरियो बताया जाए कि अगर आपकी अर्निंग कम हो गई पर शेयर तो कितनी कम हो सकती है। इसका मतलब है कि डाइल्यूटेड ईपीएस बेसिक ईपीएस के इक्वल हो सकती है। डाइल्यूटेड ईपीएस बेसिक ईपीएस से कम हो सकती है। लेकिन डाइल्यूटेड ईपीएस बेसिक ईपीएस से ज्यादा नहीं हो सकती। क्योंकि जब भी एंटी डाइल्यूटिव होगा जो अर्निंग पर शेयर को बढ़ाएगा या लॉस पर शेयर को कम करेगा तो हम उसको कंसीडर ही नहीं करेंगे, हमने तो उसे डिसरिगार्ड कर देना है। एंड फॉर दैट रीजन कभी भी आपके डाइल्यूटेड ईपीएस जो कैलकुलेट होगी वो बेसिक ईपीएस से ज्यादा नहीं आ सकती। तो इसका ख्याल रखना है आपने। अब कैलकुलेशन गाइडेंस देखते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कन्वर्टेबल्स पर। कन्वर्टेबल से मुराद है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या बॉन्ड्स और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो बॉन्ड्स की बात करें तो इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज होगा इंक्रीमेंटल ईपीएस का, यानी जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे कि जो इंटरेस्ट है इंक्रीमेंटल अर्निंग बढ़ जाएगी ना, जब अगर हम एज्यूम करते हैं कि कन्वर्टेबल डिबेंचर कन्वर्ट हो जाएंगे तो हमें उनका इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट जो नेट ऑफ टैक्स हमें नहीं देना पड़ेगा वो हमारा अर्निंग में चेंज होगा। और फिर ऑर्डिनरी शेयर्स जो बढ़ जाएंगे ऑन कन्वर्जन, तो
अर्निंग में जो चेंज आएगा डिवाइड बाय जो शेयर्स में चेंज आएगा, उससे आप एक ईपीएस कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसे हम टर्म दे देते हैं इंक्रीमेंटल ईपीएस। अब इंक्रीमेंटल ईपीएस वगैरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं प्रेजेंट या डिस्क्लोज नहीं करनी होती, ये सिर्फ कैलकुलेशन में ये समझने के लिए यूज की जाती है इंक्रीमेंटल ईपीएस, के ताकि हम इंक्रीमेंटल ईपीएस से इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि जो पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर हैं वो डायल्यूटिव हैं या एंटी डायल्यूटिव हैं। अच्छा, इसी तरह जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनमें भी इंक्रीमेंटल ईपीएस कैलकुलेट होती है, अगर वो कन्वर्टेबल है तो उनमें जो इंक्रीमेंटल अर्निंग होती है वो डिविडेंड होती है। भाई अगर वो शेयर्स प्रेफरेंस शेयर ऑर्डिनरी में कन्वर्ट हो जाएंगे तो प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो आपको नहीं देना पड़ेगा, और डिवाइड करेंगे उसे उन नंबर ऑफ शेयर से जो कन्वर्जन से बढ़ जाने। तो चेंज इन अर्निंग डिवाइड बाय चेंज इन शेयर, ये हमारा इंक्रीमेंटल ईपीएस है। तो डायल्यूटिव कब होगा? अगर इंक्रीमेंटल ईपीएस बेसिक ईपीएस से कम होगी या लॉस है तो उससे ज्यादा होगी, क्योंकि लॉस तो नेगेटिव फिगर होगी ना, तो लॉस को नेगेटिव फिगर अगर लेंगे तो इंक्रीमेंटल ईपीएस अगर बेसिक ईपीएस से कम है तो वो डायल्यूटिव होगी, और अगर इंक्रीमेंटल ईपीएस ज्यादा है तो वो एंटी डायल्यूटिव होगी। एंटी डायल्यूटिव होगी तो हम उसे बेसिकली इग्नोर करते हैं। फिर कॉन्सेप्ट है ऑप्शंस का। तो ऑप्शंस और वारंट्स की अगर बात करें तो ऑप्शंस जो हैं वो इन द मनी भी हो सकते हैं और आउट ऑफ मनी भी हो सकते हैं। अच्छा, इन द मनी ये होता है कि जो ऑप्शन होल्डर है उसके लिए फेवरेबल है, और आउट ऑफ मनी ये है कि उसके लिए फेवरेबल नहीं है, उसके लिए अनफेवरेबल है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि एक कंपनी का जो शेयर है वो मार्केट में ट्रेड हो रहा है 80 रुपीज़ का, और हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम उस शेयर को 50 रुपीज़ में खरीद सकते हैं। तो हमें ऑप्शन जो मिला हुआ है वो 50 रुपीज़ में खरीदने का मिला हुआ है, लेकिन मार्केट में उसके जो रेट है वो ज़्यादा है, तो ये इन द मनी ऑप्शन है हमारे लिए, यानी ये फेवरेबल है कि देखें हम वो 50 में खरीदेंगे, मार्केट वर्थ उसकी 80 होगी, तो हमें फ़ायदा हो गया ना कि हमें 80 वाली चीज़ 50 में मिल गई। लेकिन इसी तरह अगर हम कहते हैं कि आउट ऑफ मनी कब होगा, कि हम कहते हैं कि जी हमारी एक्सरसाइज प्राइस 100 हो और शेयर की जो मार्केट वैल्यू है वो 80 हो, तो यानी हम अगर 100 रुपये में वो ऑप्शन खरीद लें तो उल्टा उन्हें हमें नुकसान होगा कि हमने वो चीज़ जो हम मार्केट में 80 की खरीद सकते थे वो हमने ऑप्शन यूज़ करके यहाँ पर 100 की खरीदी। तो बेसिकली जो आउट ऑफ मनी ऑप्शन होते हैं उनको यूज़ नहीं किया जाता, उनको जो है वो बेसिकली कंसीडर नहीं किया जाता। बेसिकली कंसीडर किसको किया जाता है? इन द मनी ऑप्शंस को कंसीडर किया जाता है, क्योंकि जो होल्डर है वो इन द मनी ऑप्शंस को यूज करेगा। तो एज अ बेसिक सेंस हम ये जरूर कह सकते हैं कि अगर बेसिक ईपीएस आ रही है तो अगर इन द मनी ऑप्शन हैं तो वो डायल्यूटिव होंगे, और आउट ऑफ द मनी होंगे तो वो तो फिर आपने वैसे ही कंसीडर नहीं करने, और वो होंगे भी एंटी डायल्यूटिव, फिर तो फायदा मतलब वो यूज तो होने नहीं है। और अगर आपका लॉस पर शेयर आ रहा है तो इफ इन द मनी होंगे तो वो एंटी डायल्यूटिव होंगे। आउट ऑफ द मनी वाला तो बेसिकली एक्सरसाइज ही नहीं हो रहा होगा ना, तो उसको आप कंसीडर नहीं करेंगे। तो बेसिक ईपीएस के अंदर जो इन द मनी वाले ऑप्शन होते हैं वो डायल्यूटिव होते हैं, और उनको ही सिर्फ हमने कंसीडर करना है। यानी आप इसका टोटल रूल ये ले सकते हैं कि अगर लॉस पर शेयर आ जाए तो ऑप्शंस को ऑल टुगेदर इग्नोर कर दें, क्योंकि या तो वो आउट ऑफ मनी होंगे तो एक्सरसाइज ही नहीं होने, इन द मनी होंगे तो एंटी डायल्यूटिव होंगे, तो ये तो दोनों सूरतों में हमने इग्नोर ही कर देना। लेकिन अगर ईपीएस आ रही है, बेसिक ईपीएस आ रही है और वो इन द मनी ऑप्शन है, तो फिर वो डायल्यूटिव है और उनको कंसिडर करना चाहिए। फिर रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट की बात करते हैं, तो बोनस इशू, शेयर स्प्लिट, शेयर कंसोलिडेशन, यानी ये ऐसी सिचुएशन है जिससे नंबर ऑफ शेयर तो चेंज हो जाते हैं लेकिन कंपनी के पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उनके अंदर चेंज नहीं आता। तो इनका जिस तरह से हमने ये अगर आफ्टर ईयर एंड हो तो हमने बेसिक ईपीएस में डिस्कस किया था कि नहीं, बेसिक ईपीएस के अंदर आफ्टर द ईयर एंड भी हो तब भी हमने इसको जो है एडजस्ट करना होता है, और इवन कंपैरेटिव पीरियड्स के अंदर भी इनको इनकॉर्पोरेट करना होता है। तो वही इफेक्ट जो बेसिक ईपीएस पर आएगा वो कंटिन्यू करेगा डायल्यूटेड ईपीएस पर भी। सिमिलरली करेक्शन ऑफ एरर या चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो जाती है अंडर IAS 8, जिसकी वजह से आप कहते हैं कि जी लास्ट ईयर की अर्निंग्स के ऊपर फर्क आ गया है, कोई करेक्शन ऑफ एरर किया जिससे प्रॉफिट कम या ज्यादा हो गया, या अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज किया जिससे लास्ट ईयर का कंपैरेटिव प्रॉफिट कम या ज्यादा हो गया, तो वो जितना इफेक्ट बेसिक ईपीएस पर आएगा वो कैरी ऑन करेगा और वो डायल्यूटेड ईपीएस पर भी इफेक्ट आएगा। तो कैलकुलेशन के लिए जो ये वन एरिया आपके सामने है एज अ गाइडेंस, इसको साथ रखेंगे, और जो एडिशनल हम स्पेसिफिक वीडियोस डिस्कस करेंगे कन्वर्टेबल और ऑप्शंस पर उनको सामने रखेंगे, तो तमाम क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।